लीडर जगह पिछले हर कोर्स के बीच में 10 मीटर चौड़ी जगह हो गई और कम से कम 25 मीटर लंबी जगह वो गेट आप आइए छह भाग हो गया ना, ये भाग ये दो और एक तीन हो गया, एक में एक रहेगा, हो जाएगा एक इसमें, एक इसमें दो, एक दो, मैं बता रहा हूँ इसमें एक ग्राउंड बनेगा जिस मूल ग्राउंड के बाद 5 मीटर की जगह छूटेगी उससे कुछ और से, और इसमें जो बनेगा जी मंत्री जी कैसा है आपकी तरफ ये निरीक्षण किया जा रहा, तैयारी चल रही है यहाँ पे इस जगह पे 71वीं सीनियर वॉलीबॉल चैंपियनशिप महिला पुरुष यहाँ होने वाला है जी। क्या तैयारी चल रही है इसमें? तैयारी पूर्णतः चल रही है जी। हर तरह का हमारे 135 टीमें आ रही हैं जिसमें करीब 73 पुरुष वर्ग की टीमें हैं, 35 महिला वर्ग की टीमें हैं, स्थान उनका सब चयनित हो रहा है, 8 तारीख से आना शुरू हो जाएगा। हमारे बगल में सचिव बैठे हैं, कार्यवाहक अध्यक्ष हैं प्रमोद राय जी, आपके बगल में प्रयाग से आए हुए हैं प्रभात राय जी जो वॉलीबॉल एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं, बगल में सुहेब भाई हैं जो वो अमेठी के अध्यक्ष हैं, आप हैं डॉक्टर शाहनवाज जी, तो सब लोग पूरी ताकत से लगे हुए हैं कि इसको इतना भव्य दिव्य बनाना कि चूँकि ये हमारे जिला के गौरव भीम नारायण राय जी के समर्पित चैंपियनशिप हो रहा है तो कौन कौन आ रहा है इसमें रूप में मुख्य अतिथि के रूप में? 9 तारीख को मुख्य अतिथि के रूप में उत्तर प्रदेश सरकार के डिप्टी CM ब्रजेश पाठक जी रहेंगे उनके द्वारा, और उसी दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में विनोद शंकर जी जो कौशाम्बी के सांसद हैं, दो दो प्रदेश के प्रभारी हैं, भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय सचिव हैं और इनका एक मऊ से अलग लगाव है, उस दिन विशिष्ट अतिथि के रूप में 9 को रहेंगे। शर्मा जी समापन में रहेंगे। शर्मा जी 13 तारीख को समापन होगा, उन्हीं के द्वारा ट्रॉफी दिया जाएगा जो भी हमारे यहाँ चैंपियन बनेंगे, जो 5 दिन लगातार मेहनत करेंगे अपने को सिद्ध करेंगे हम चैंपियन हैं, तो शर्मा जी द्वारा उनको उनका ट्रॉफी दिलवाया जाएगा। कितने दिन चलेगा ये? 5 दिवसीय है। ये उत्तर प्रदेश की तरफ से हो रहा है या आप लोग की तरफ से? ये इसमें सरकार कोई सहयोग नहीं रहता है, इस सबसे महत्वपूर्ण चीज़ मैं बताना भूल गया आपको, ये वॉलीबॉल एसोसिएशन जो उत्तर प्रदेश है इस एसोसिएशन के अध्यक्ष हैं डिप्टी CM स्वयं हैं जस पाठक जी, और ये सहयोग द्वारा हम लोग अपने द्वारा कर रहे हैं। तैयारी पूरी कर लीजिए? तैयारी एकदम पूरी है, ज़बरदस्त तैयारी। इतनी ही भीड़ आने के अनुमान? हमको तो लगता है यहाँ 50,000 लोग रहेंगे, वही हम लोग अभी बात कर रहे थे, चारों तरफ से जो लग रहा है कि 50,000 लोग रहेंगे, पूरे उत्तर प्रदेश के प्रत्येक जिले से महिला पुरुष दोनों। जी जी,